क्यों? यहाँ का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसलिए उद्धव भी कहते हैं आशा महो चरण रेणो जुषा महंस्यांग वृंदावन किमपि गुलमलतो सिद्ध नाम। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं क्या मेरा ऐसे कभी सौभाग्य होगा यहाँ के गुलमलता और यहाँ पर है लता बन सको। बोले लता क्यों बनना चाहते हैं? बोले जब कृष्णा लीला करेंगे अगर लता बन करके रहेंगे फिर ठाकुर का लीला हमें दर्शन मिल जाएगा। बोले औषध वृक्ष रूप में। बोले क्यों? कभी बीमार पड़ेंगे तो दवा तो लेंगे ही, जब दवा लेंगे उनका हृदय में चला जाऊंगा। बोले घास क्यों बनना चाहते हैं? बोले चल कर तो जाएंगे, जाएंगे तो कम से कम घास बन करके रहूंगा तो उनकी चरण की रज हमें प्राप्त होगा। उद्धव जैसे व्यक्ति है, इसलिए यहाँ का वृक्ष कोई साधारण मत समझो। इसलिए गुरुदेव ये वृक्ष को आ करके वृक्ष से कृपा प्रार्थना करते थे, क्योंकि जो वृक्ष है ना ठाकुर जी का लीलाओं को ये वृक्षों ने दर्शन किया। इसलिए यहाँ जाकर कोई पेड़ का कोई पत्ता नहीं तोड़नी चाहिए, है किसी पत्ता को तोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए गुरुदेव बड़े यहाँ पर आकर बड़े भाव विभोर हो जाते, क्योंकि वो तो नित्य परिकर राधा रानी के भाव विभोर गुरुदेव हो जाते थे। यहाँ का धूल अपने लोट पोट खा खाए करते थे, हम तो बैठने के लिए सोचते कपड़ा धूल गंदा तो नहीं हो गया। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, ये धूल को पाने के लिए आए हैं, ये धूल को हम पाने के लिए आए यहाँ पर। इसलिए ये वृक्ष को ही देखो, जैसे राधा रानी मान की ना, राधा रानी मान की गुरुदेव कहते थे उनकी मां मान में विभावित होकर के देखो ये जितने वृक्ष सब टेढ़े मेढ़े मान के टेढ़ी मेढ़ी होती ना मान। देखो ये पेड़ को देखो, साधारण पेड़ देखो ऊंचा होता है, कोई ऊंचा देखकर देखो पेड़ को देखो, जैसे राधा रानी मान करके जैसे मान टेढ़ी होती है ना, देखो सारे वृक्ष को देखो सब टेढ़े मेढ़े और इसे भूमि में लेटे हुए। क्यों भूमि में ले नहीं, भगवान राधा रानी के चरणों को पाने के लिए यहाँ लेटे हुए वृक्ष देखो सारे लेटे हुए ना, देखो सारे देखो वृक्ष को देखो पूरा लेटा हुआ वो वृक्ष नहीं, ये प्रणाम कर रहे हैं राधा रानी के चरणों में, गुरुदेव प्रणाम कर रहे हैं उनकी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। अभी बीच में अभी वो तोता ने आकर राधा रानी को बोल दिया, देखो इस सुंदर कुंज देख लो, बोलते देखो राधे आज तुम्हारी श्रृंगार, आज तुमने जो सुंदर कुंज बनाए सो व्यर्थ हो गया। बोले क्यों? बोले कृष्ण बीच से अपहरण हो गए, बीच से वो अपहरण हो गए, उनको दूसरे सखी ने ले लिया है। इतने में राधा रानी यहाँ पर दुर्जय मान करती थी, ऐसे मान करती थी जो मान तोड़ना कठिन। जब कृष्ण बड़े देर देखो ये सब कथा सुनने के लिए ना लगता होगा हम जैसे घर में मान करते हैं कभी कभी आपको लगता होगा, लेकिन भगवान ऐसे लीला क्यों किया? अगर भगवान अगर दिव्य ऐसे लीला करते जो इसी जगत में मिलता जुलता नहीं है ना, आप कथा ही नहीं सुनते, ये कथा कान खाड़ कर खड़े करके सुन रहे ना, इसलिए सुन रहे क्योंकि संसार में सब चीज है, क्योंकि उसी जगह अपराकृत जगत का जो परछाई है इसी जगत में, इसलिए प्रभु ऐसी लीला की ये कथा सुनकर लोग का मन उसमें लग जाए। लेकिन लगता है तो साधारण कथा नहीं, ये प्रभु की कथा है, ठाकुर जी की कथा है, ये साधारण कथा नहीं है, ये साधारण कथा नहीं। इतने में कृष्ण बड़े देर से आए, जब देर से आए राधा रानी ने, जब देर से राधा रानी को सारी चीज पता तोता ने बता दिया, जब कृष्ण आए इतने में राधा रानी कहती इतना देर क्यों किया है? बोले देखो राधे मैं तो जल्दी जल्दी आ ही रहा था, लेकिन हठात में क्या हुआ, कृष्ण को प्यार में सिंदूर की सिंदूर पहनते है ना, चंद्रावली का सिंदूर का दाग था सिंदूर। बोले ये लाल दाग कहाँ से आ गया? बोले मैं तो जल्दी जल्दी आ रहा था, लेकिन प्यार में ना कांटा चुभ गई और खून निकल गया है, खून निकल गया। इतने में कृष्ण राधा रानी कहती है इतने फिर देर क्यों लगाए? बोले मैं तो आ ही रहा था, देखा यहाँ पर एक तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष को कृष्ण स्वरूप मानते हैं, और उसमें जो उसमें के माधवी लता उसके ऊपर गया था, लता को राधा रानी का रूप मानती है। मैंने जब तमाल वृक्ष के ऊपर वो लता को चढ़ते हुए देखा, अभी तेरे मेरे में जो मिलन होता है ना, मैं अपना मिलन की याद आ गया तो मैं रास्ता में बेहोश हो गया, इसलिए आने में देर हो गया। लेकिन राधा रानी को सब पता है कहाँ चले गए थे, कृष्ण बोले कोई बहाना करने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, मेरे को सब कुछ पता, आज आपसे मैं नहीं मिलूंगा, जहाँ से आए ना अब वहीं पर चला जाएगा, वहीं चला जाओ, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं। तब इतने में कृष्ण इतने दुखी, इतने कृष्ण दुखी हो गए, अभी क्या करेंगे, उनको निकाल दिया कुंज से, कहाँ भगवान परम ब्रह्म है। इसलिए कभी कभी कृष्ण कहते भैया मैं जब गिरिराज गोवर्धन उठाता हूँ ना मेरे को जितने ताकत नहीं लगा, अगर राधा रानी कभी मान कर लेना, इनकी मान को तोड़ने के लिए मेरे को इतना परिश्रम होता है, ये गिरिराज अघास रूप बघास रूप मारने के भी इतना मेरे को परिश्रम है। अब लोगों को संसार में करते होंगे मानव से पता होगा, इसलिए इतने में श्री राधा रानी कृष्ण को निकाल दिया। अभी कृष्ण ललिता को पास में गए, बोले बताओ ललिता अभी करूँ क्या,
अभी तो राधा रानी को निकाल दिया, उसका उपाय बताओ। लेकिन सखियों का चेष्टा किया है जुगल को मिलन कैसे कराए, राधा कृष्ण दोनों को हम मिलन कैसे कराए, सखी का यही चेष्टा है। बोले एक काम करो, राधा रानी भी आपका विरह में दुखी है, क्यों जब तक आपसे नहीं मिलेंगे तब तक खुश नहीं होगी। एक काम करो, आप ये रूप को बदला दो और एक गंधर्वी रूप धारण करो और बड़े सुंदर यहाँ पर भजन गाओ। इतने में कृष्ण इतने सुंदर उन्होंने राग रागिणी उन्होंने गाए, जिसको सुन करके राधा रानी का हृदय, क्योंकि कृष्ण की बोली कृष्ण के स्पर्श से ही राधा रानी प्रसन्न होती है, सुन करके राधा रानी का हृदय तो द्रवीभूत हो गई। राधा रानी ललिता को बोले, ललिते ये कौन इतने सुंदर भजन गा रहे हैं, क्या राग रागिणी सप्तम स्वर में गा रहे हैं, कौन है? बोले ये स्वर्ग से कोई गंधर्वणी आई है, बोले उसको ले करके आओ, उसका भजन मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। अभी कृष्ण अभी रूप बदला गए बदला है, अभी कृष्ण को लेकर के आए। जब लेकर के आए बोले, भैया तुम क्या जानते हो? बोले मैं जिसकी चरण की सेवा करता हूँ उसकी मन की सारे पीड़ा दूर हो जाता है, और जिसको मैं डेकोरेशन करता ना श्रृंगार करती हूँ मन की सारे व्यथा दूर हो जाती है। बोले मेरा मन भी कृष्ण विरह में बड़ा दुखी है। बोले बड़े सुंदर में चरण दबाना जाने तो भगवान कृष्ण इसी कुंज में उन्होंने राधा रानी की उन्होंने चरण दबाई, शरीर को श्रृंगार की। अभी कृष्ण ने राधा रानी देखा, मन की जितने व्यथा है ना सो अपने दूर हो गई। अभी राधा रानी सोच रही है, भैया जब तक मैं श्याम सुंदर से नहीं मिलती ना तब तक मन की व्यथा कभी दूर नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी बोली हमें इतना प्यारी क्यों लगती है, और स्पर्श करते ही शरीर का सारे व्यथा कैसे चली गई, लगता है दाल में कुछ काली है। इतने में उन्होंने ललिता को इशारा किया, ललिता ये बात क्या है? बोले ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर स्वयं है, ये श्याम सुंदर स्वयं है। बोले देखो एक काम करो, तुम इतने महिला कपड़ा पहने हो, हम सब राजकुमारियां हैं, देखो कितने अच्छे कपड़ा, तुम तो कपड़ा बदला दे, अभी तो कृष्ण देखे पकड़ा जाएंगे, हाँ सारे पोल खोल जाएगी। बोले भैया ये महिला कपड़ा में रहूंगी? बोले नहीं, इसको पकड़ो, स्त्रियों में कपड़ा बदलाने में क्या हरज है, जब जोर जबरदस्ती पकड़ के सर का कपड़ा हाँ निकालना, देखा ओ श्री वो सखी नहीं, वो कौन है? सखा है, ये श्री श्याम सुंदर है। इसलिए यही स्थान है जब राधा रानी कभी मान करती थी कृष्ण कभी अपना मोर मुकुट उतार कर रख देते थे। बोले क्यों? बोले मैं नटवर हूँ, नटवर हूँ, मतलब कृष्ण इसलिए मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर का नृत्य बड़ा सुंदर नृत्य है। बोले हे राधे मैं अपना नृत्य विद्या भी तेरे चरण में रख लिया। लास्ट में कृष्ण अपना बंसुरी, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड को ये बंसी ध्वनि ही द्वारा मैं मुग्ध करता हूँ, तो त्रिजगत मानस आकर्षि मुरली कल को जीता, इसको द्वारा इसका भी सारे चीज तुम्हारे चरण में है, सारे चीज तुम्हारी चरण में। तभी राधा रानी मान जब नहीं उतारती है, कृष्ण कहते हैं स्मरण गर्व श्री हमारे श्री कौन कवि जयदेव वो लिख रहे हैं। इतने में उन्होंने अपना दिव्य नेत्र से देख रहे हैं कृष्ण कर रहे हैं क्या। लास्ट में कृष्ण कहते हैं राधे मैं अपना चरण को, तुम्हारी चरण तो बड़ी उदार है इसलिए अपना चरण को तुम्हारे सर पर रख लेता हूँ, अभी तो मान छोड़ दे। इतने में कृष्ण जब सर को झुकाने के लिए गए, कवि जयदेव उसको लिख नहीं पाए। बोले कहाँ विश्व ब्रह्मांड का परात पर तत्व है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, और वो कहाँ आज राधा रानी के चरण में सर झुका, ये कैसे हो सकता है? वो लिख नहीं सके, पेन को रख करके चले गए। इतने में जब स्नान करने के लिए गए, कृष्ण स्वयं पीछे आकर के बोले एक पद याद आ गया पत्नी को, बोले पद्मा को कापी दो, तो कृष्ण स्वयं अपना हाथों से लिख कर गए, दही पद पल्लव मुदारम, हे राधे तुम्हारी चरण कोमल चरण को मेरे सर पर रखो, कृष्ण स्वयं लिख करके जाते हैं। ये जितने सारी कथा है ना यही की ही सारी कथाएं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हम सबके सब यहाँ पर आए और ये पेड़ को नीचे बैठे हो, जैसे कुंज लग रहा है ना, बहुत जगह पर गए हो गए हैं, बड़े बड़े कोठा मकान, लेकिन जो शांति वहाँ नहीं मिलती ना वो शांति यहाँ मिल रही कि नहीं, वो शांति मिल रही कि नहीं। हाँ ये चीज को लेकर के जाने के लिए कोशिश करना, यहाँ धूल नहीं, संपूर्ण राधा गोविंद की चरण को तरह अभिषिक्त जो धूल यहाँ पर पड़ा हुआ, धूल की एक कणा के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव यहाँ की धूल की कणा के लिए प्रार्थना करते हैं कब यहाँ की चरण धूल मिले। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कब ऐसे समय होगा हम जाएंगे ये धूल को फिर लौट फोट उठाएंगे, ये ब्रज रज प्राप्त होगा, क्यों यहाँ की जो धूल है ये कृष्ण भक्ति राधा जी के प्रेम को यहाँ धूल हमें प्रदान कर सकती, इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य यहाँ पर आए
यहाँ पेड़ से लता से गुरुदेव कहते यहाँ से भीख मांगो। एक दिन ना एक दिन गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए हैं इनकी अनुगत्य में रहते हुए जैसे जीवन बीते और एक दिन जैसे राधा कृष्ण की जुगल चरण की हमें सेवा प्राप्त। ठीक है लबांछाकल पुत्र भस्म कृपा सिंधु भाई बचा प्रतितानंद पावन भो वैष्णव भो नम नम। हमारे माधव गुरु प्रभु जी आपको बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे जारी कर। हरे कृष्णा। महाराज जी सुना रहे थे कि किस प्रकार से राधा जी का मान होता है और कृष्ण राधा जी के मान को तोड़ते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कभी कृष्ण ने भी मान किया। एक बारी राधा जी को कृष्ण बोलते हैं कि राधा जी आप तो राधा जी को कृष्ण बोलते हैं कि राधा जी तुम तो हमेशा मान करती हो, मुझे भी ये मान करना सिखा दो। क्योंकि मान कौन करता है? स्त्रियां करती हैं। तो राधा जी बोलती है कि देखो तुम मान करना सीख नहीं सकते, तुम पुरुष हो। तो वो कृष्ण कहते हैं तुम तो जगत गुरु हो, तुम मुझे मान करना सिखाओ, मैं सीख लूंगा। तो राधा जी कृष्ण को मान करना सिखाती है। राधा जी कहती है मान करना सीखना क्या है, ये तो बड़ा सरल है। करना क्या है कि जिससे मान करना है उसकी तरफ से मुख मोड़ लो, और क्या करो उसकी कोई भी शब्द सुनो मत, कुछ भी बोले उसका उत्तर नहीं देना। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है मैंने सीख लिया और मैंने तुमसे मान कर लिया। तो राधा जी कहती है अच्छा अच्छा मान कर लिया, लेकिन कृष्ण एक बात तो सुनो। हाँ राधे बोलो। अरे तुमने मान का सीखा, अभी तो सिखाया था कि जब मान कर लो तो कुछ बोलना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना। कृष्ण कहते हैं अब मैंने पक्का मान कर लिया। फिर राधा जी कहती है श्याम सुंदर एक बात और सीख लो। हाँ हाँ बोलो राधा जी। राधा जी कहती है तुम्हारे बस की नहीं है कि मान मान करना। कृष्ण कहते हैं अब तो मैंने पक्का ही मान कर लिया। अब फिर कृष्ण जब पक्का मान कर लेते हैं तो राधा जी बोलती है हे श्याम सुंदर हे कृष्ण। जब दो बारी कृष्ण कृष्ण बोलती है देखती है कि अरे कृष्ण तो सच्ची में मान कर लिया। तो राधा जी पे मूर्छित हो जाती है। तो कृष्ण देखते हैं कि राधा जी का कितना ऊंचा प्रेम है। जब राधा जी मेरे से मान करती है मैं तो मूर्छित नहीं होता, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा मान किया और राधा जी मूर्छित हो गई। तो फिर देखा कि नहीं कि राधा जी का कितना ऊंचा प्रेम है। ये प्रेम कैसा है इसके लिए चैतन्य चरितामृत ने बताया अकेतव कृष्ण प्रेम ये जाम्बू नद हेम से ही प्रेम निर्लोके ना है यदि है बार वियोग ना है तभी वियोग वियोग है जीव वियोग है के लिए जिए ना जाए। कह रहे कि जो प्रेम है वो प्रेम कैसा है जाम्बुनत हेम बताया एक ऐसी मणि जो उस जगत में देखने को ही नहीं मिलती। वो एक ऐसा प्रेम है इस जगत में, वो प्रेम नहीं है इस जगत में, उस प्रेम का गंध भी नहीं है। वो प्रेम तो बहुत ऊंची चीज। कह रहे यदि है बार वियोग अगर उस प्रेम के अंदर मानो वियोग हो जाए यानी कि एक दूसरे प्राण प्रियतम का वियोग हो जाए तो फिर वहां पे वो अपने प्राण धारण नहीं कर सकता। इसलिए हमें शीला स्वामी प्रभुपाद जी एक स्वामी महाराज जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे इस प्रेम को समझने के लिए। बहुत छोटा सा उदाहरण देते थे कि देखो एक बारी एक जंगल था, उस जंगल के अंदर बहुत सारी गैया चर रही थी। दिन के समय आग लग गई। अब पूरे जंगल में जब आग लगने लगी आग की लपटें बड़ी बड़ी उठते उठते चारों तरफ से पूरे जंगल में आग ही आग हो गई। जब सारी आग हो गई तो सारी गैया एक एक करके जल के मरने लगी। लेकिन उसमें एक गाय ऐसी थी जो बहुत फुर्तीली थी। वो जैसे तैसे भाग भाग के ऊंचा कूद कूद के जो वहां पे आग की लपटे थी उसको पार कर गई। उसके प्राण तो बच गए लेकिन वो बेचारी जल गई। लेकिन उसकी आंखों के सामने सारी गाय मारी गई। अब इसको एक मेरे सामने सारी गाय मर गई। इसलिए जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो देखना जब सूर्य अस्त होता है चारों तरफ क्या नजर आता है, लालिमा नजर आती है। तो जैसे ही सूर्य अस्त होता था ये गाय पागलों की तरह भागना शुरू करती थी। इसको लगता था कि फिर से क्या होने वाला है, आग लगने वाली है। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तब तो सारा ताप जा रहा होता है ना, अब तो चंद्रमा आएगा शीतलता आएगी। लेकिन वो सोचती थी कि नहीं अभी तो आग लग रही है। तो शिला स्वामी प्रभुपाद जी को उदाहरण देते थे, स्वामी महाराज जी को उदाहरण देते थे कि देखो उसी प्रकार से हम लोग भी है जले हुए हैं। किसमें? इस संसार की काम वासना में हम लोग जले हुए हैं। कोटि कोटि जन्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल संसार के काम के पीछे पागल। हम सब लोगों का जो जीव का जो मूल अनर्थ है वो क्या है, संसार की काम वासना। और इसलिए हम जब इन कथाओं को सुनेंगे तो हम क्या सोचेंगे, हाँ हाँ जैसे राधा जी मान करती थी कृष्ण से वैसे इस जगत में एक पुरुष और स्त्री का प्रेम होता है। लेकिन नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। ये जगत है काम, काम है अंध, और जो प्रेम है वो है शुद्ध निर्मल एक भास्कर। तो बता